Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the part 2 of Gulliver's Travel. In part 1, I explained you the chapter line by line, and today we are going to do the exercise of Gulliver Travels. उसके पहले हम इसको एक बार short में chapter देख लेते हैं, उसके बाद हम इसका question answers करेंगे. तो वंस गलिवर रीच्ड एन आइलैंड विथ हिज कंपेनियंस, तो मैंने पहले बताया था आपको जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया, तो गलिवर जो था वो गलिवर ट्रेवल्स जोनाथन स्विफ्ट की लिखी हुई एक इमेजिनेशन जो है फिक्शन स्टोरी है, जिसमें गलिवर जो है वो एक सेलर है, शिप सर्जेंट है, जो क्या करता है वो हमेशा सेलिंग के लिए जब भी जाता है तो कुछ ना कुछ उसके साथ हो जाता है और वो बहुत ही अजीबोगरीब जगह पे पहुंच जाता है. उसकी शिप जो है उससे छूट जाती है और वो अजीबोगरीब जगह पे पहुंच जाता है. कभी वो ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं बोर्नियो जैसे, कभी वो ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, तो कभी वो अजीबोगरीब एनिमल्स के लैंड पे पहुंच जाता है, है ना. तो इस स्टोरी में जो है ये वाली स्टोरी, उसमें वो ऐसी जगह पे गया है जहाँ पे उससे 300 टाइम्स बड़े बड़े लोग थे, मतलब जैसे दानव के जैसे, राक्षस के जैसे, कुंभकर्ण जैसे लोग जो थे उसको वहाँ पे मिलते हैं. ठीक है, तो जब वो आइलैंड पे पहुँचता है अपने दोस्तों के साथ, कंपेनियंस के साथ, तो कुछ को वो क्या करता है पानी की तलाश में आइलैंड पे इधर उधर भेज देता है. बट देयर वॉज नो वाटर देयर, लेकिन वहाँ पे कहीं पे भी उसे पानी नहीं मिलता है. सडनली हिज कंपेनियंस बिगैन टू बी चेस्ड बाई अ ह्यूज क्रिएचर. तब वो देखता है कि उसके सारे जो भी कंपेनियन हैं, साथी हैं, वो भाग रहे हैं, बोट की तरफ भाग रहे हैं, और बोट लेके वो फटाफट से भाग रहे हैं भाग रहे हैं. तो वो देखता है कि उनको कोई एक बड़ा सा क्रिएचर, बड़ा सा आकृति का आदमी जैसा कोई उनका पीछा कर रहा है और उनको उसको चेज कर रहा है. ठीक है, लकीली दे ऑल एस्केप्ड, और फिर क्या होता है कि वो सभी जो है वो बच जाते हैं. नाउ गलिवर वॉज अलोन ऑन द आइलैंड, और गलिवर इकलौता जो है वो अपने क्रू में से, अपने साथियों से बिछड़ जाता है और इकलौता आइलैंड बच जाता है. ठीक है, उसके बाद ही क्विकली क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल विथ फील्ड्स ऑफ बार्ली ऑन ईदर साइड एंड कॉर्न राइजिंग अप टू 40 feet. तो वो जल्दी से एक बड़े से हिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ता है. जो फील्ड था किस चीज़ का, बार्ली का, बार्ली के फील्ड थे, और उसका जो कॉर्न था, बार्ली का जो अनाज था वो कितना बड़ा था, सॉरी उसका जो पेड़ था वो 40 फीट ऊंचा था. मतलब सोचो, पेड़, बार्ली का पेड़ 40 फीट ऊंचा है ना. देयर वॉज फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर, और फेंस बने हुए थे एक फील्ड से दूसरे फील्ड में जाने के लिए, लेकिन गलिवर जो है उन फेंसेस को वो क्रॉस नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी सारे फेंस के जो स्टेप्स थे वो 6-6 feet लंबे थे. गलिवर के बराबर के स्टेप्स थे, सीढ़ियाँ जो थी वो 6-6 feet की सीढ़ियाँ थी, तो फिर वो कहाँ से उनको क्रॉस कर पाता. सून ही सॉ अ फार्मर इन द नेक्स्ट फील्ड, और फिर वो देखता है एक फार्मर को, पिछ अगले फील्ड में एक फार्मर को देखता है, अकम्पनीड बाई 7 other monsters लाइक हिम टू रीप द कॉर्न. और वो किन के साथ होते हैं, साथ उसके ही जैसे लोगों के साथ वो आए हुए होते हैं. किस लिए, बार्ली काटने के लिए, जो खेत में फसल हुई थी उसको काटने के लिए. कॉर्न क्या होता है, अनाज होता है. ठीक है, जो जो फसल होती है उसके अनाज को कॉर्न बोलते हैं. ठीक है, तो उन्हीं उसी के जैसे 7 और लोग थे जो क्या करने आए थे, फसल को काटने आए थे. ही टू वॉज अ मॉन्स्टर, और वो भी जो थे वो मॉन्स्टर जैसे ही दिख रहे थे, मॉन्स्टर यानी दानव के जैसे. He was Gulliver got frightened. तो गलीवर जो है वो डर जाता है. He screamed loudly. और वो क्या करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है. But the monsters were kind to him. लेकिन वो monsters जो है वो देखने में ही बड़े बड़े थे, लेकिन गलीवर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. वो गलीवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करते हैं. One of them picked him up and placed him on the ground. और उनमें से एक जो है वो उन्हें उसे ऐसे उठाता है और ग्राउंड पे रख देता है, और सारे लोग जो हैं उसको गोल बना के और बैठ के और देखते हैं, निहारते हैं ऊपर से लेके नीचे तक कि आखिर गलिवर दिखता कैसा है, इतना छोटा सा आदमी. गलिवर ट्राइड टू स्पीक, गलिवर जो है वो उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है,
इन 7 लैंग्वेजेस, और वो 7 लैंग्वेजेस ट्राई करता है कि वो कोई लैंग्वेज तो समझ जाए, बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वो नहीं समझते हैं, ठीक है, उसकी कोई भाषा वो समझते नहीं है. द फार्मर टुक हिम टू हिज हाउस एंड गेव हिम क्रैम्बल ब्रेड. फार्मर जो है उसको अपने घर लेके जाता है और उसको ब्रेड देता है खाने के लिए. सून हिज 1 year ओल्ड सन केम एंड ग्रैब्ड हिम इन एंड पुट हिज हेड इन टू हिज माउथ. ठीक है, अचानक से उसका 1 साल का बेटा आता है, उसको लेकर आ रहे हैं बाहर से, तो वो इतना छोटा आदमी को सोचता है डॉल वॉल है, जैसे बच्चे डॉल उठा के और मुंह में लगाते हैं, वैसे ही वो भी उसको उठा के क्या करने लगता है, मुंह में लगाने लगता है. गलीवर शाउटेड, तो गलीवर जो है वो खूब जोर से चिल्लाता है, एंड द बेबी ड्रॉप्ड हिम, तो वो भी बेबी भी डर जाती है, डर जाता है, और बेबी उसको झट से ऐसे जैसे डॉल में से अगर कोई आवाज आने लगे तो कैसे बच्चा डॉल को फेंक देता है, वैसे ही वो फेंक देता है. ठीक है, ही वुड हैव फॉलन एंड ब्रोकन हिज नेक, वो गिर जाता और अपनी गर्दन वो तोड़ देता, लेकिन उसकी जो वाइफ होती है वो उसको पकड़ लेती है, फिर वो गलीवर को बेड में सुला देती है और हैंडकरचीफ उसको उड़ा देती है. ठीक है, इस तरीके से गलीवर जो है उसको वो लोग अपने पास रखते हैं, और जब गलीवर को सुला देती है तो फिर वो सो के अपने घर के बारे में सोच रहा होता है कि काश मैं अपने घर पे होता, या फिर मैं कैसे अपने घर वापस जाऊंगा, इन लोगों के साथ मैं कैसे एडजस्ट करूंगा, कैसे रह पाऊंगा, कब मैं अपने घर जाऊंगा, ये सारी चीज़ें जो हैं गलीवर सोच रहा है सो के. ठीक है ना, बस इतनी ही है ये कहानी, और क्वेश्चन आंसर्स हम आज करेंगे सेल्फ मेड सबसे पहले. ठीक है, और जो वर्ड मीनिंग्स है वो हमने अपने पिछले क्लास में ही डिस्कस कर लिया था. वी हैड डिस्कस्ड ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन आवर प्रीवियस क्लास, एंड दिस इन दिस क्लास वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस. ओके, तो सबसे पहले सेल्फ मेड क्वेश्चन, हु वॉज गलीवर, गलीवर कौन था, तो गलीवर वॉज अ सेलर. कौन था वो, ही वॉज अ सेलर, यानी जो समुद्र में यात्रा करते हैं या फिर समुद्र में जहाज पर रहते हैं उनको बोलते हैं सेलर. गलीवर भी क्या था, ही वॉज अ सेलर. वाई डिड द कैप्टन सेंड हिज मैन, कैप्टन ने अपने लोगों को आइलैंड पे किस लिए भेजा था, तो कैप्टन जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को वेसल यानी बर्तन लेके भेजा था पानी के खोज में, वेसल्स फॉर वाटर, सेंट हिम विथ वेसल्स फॉर वाटर, पानी की खोज में, पानी के लिए उसने सबको भेजा था. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ वॉज द कंट्री, जिस कंट्री में गलीवर के कैप्टन ने उनको पानी के लिए भेजा था वो कंट्री कैसी थी, तो वो कंट्री थी बैरन. मैंने पिछली क्लास में बताया था बैरन यानी बंजर और रॉकी और पथरीली, बंजर और पथरीली थी. ठीक है, बैरन यानी बंजर और क्या, पथरीली, रॉकी मतलब क्या, पथरीली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड गलीवर टर्न बैक एंड व्हाई, गलीवर जो है वो पीछे क्यों मुड़ा, पीछे मुड़ा और क्यों मुड़ा, गलीवर जो है वो पीछे मुड़ा और क्यों मुड़ा. गलीवर टर्न बैक टू ज्वाइन द क्रू, तो गलीवर जो है अपने दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए पीछे मुड़ा, ओनली टू सी हिज फ्रेंड्स गेटिंग इन टू द बोट, लेकिन उसने क्या देखा कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, फटाफट से बोट में बैठ रहे हैं. ठीक है, एंड रोइंग फॉर लाइफ टू गेट द शिप, और एकदम जान बचा के जैसे भाग रहे होंगे इस तरीके से वो शिप की तरफ भाग जाते हैं. ठीक है, तो गलीवर ने देखा कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो उसको छोड़ के और अपनी जान बचा के भाग जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डिड ही ऑब्जर्व इन द सी, समुद्र में उसने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज मॉन्स्टर इन द सी, तो उसने देखा कि एक बड़ा सा मॉन्स्टर है जो उसके फ्रेंड्स के पीछे पीछे दौड़ रहा है. ठीक है, एक दानव है, एक दानव के जैसा विशालकाय आदमी जो बोलते हैं जाइंट, ठीक है, वैसा एक आदमी जो है वो उसके फ्रेंड्स के पीछे पीछे दौड़ रहा है. व्हाट डिड द 7 मॉन्स्टर्स कैरी विद देम, तो जो वो 7 मॉन्स्टर्स थे, जो महाविशालकाय आदमी थे, 7 दानव, ठीक है, वो क्या कैरी कर रहे थे अपने हाथ में, उन्होंने क्या कैरी किया हुआ था, द 7 मॉन्स्टर्स कैरीड अ ह्यूज रीपिंग हुक, जो काटने वाली हसुआ होती है ना, रीपिंग हुक, ठीक है, वो कैरी करके लेके जा रहे थे. रीपिंग हुक क्या हुई,
जो फसल काटने वाली औजार होती है उसको हम बोलते हैं रीपिंग हुक. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फार्मर्स वन ईयर सन डू टू गलीवर. फार्मर का जो एक साल का बेबी था उसने गलीवर के साथ क्या किया, ये क्वेश्चन है. इसका आंसर होगा कि ही ग्रैब्ड, हम इसको ग्रीन पेन से लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है. आंसर, ही ग्रैब्ड क्या किया उसने, उसने उसको ग्रैब किया, ही ग्रैब्ड हिम एंड पुट हिम एंड ट्राइड टू पुट हिम इन हिज माउथ. और उसको क्या किया, उसने कोशिश की कि उसको उसके उसको माउथ में ले ले, ठीक है. ट्राइड टू पुट हिम इनटू हिज माउथ, ही ग्रैब्ड हिम एंड ट्राइड टू पुट हिम इन माउथ, ठीक है. इस क्वेश्चन का आंसर मैं क्या करूं यहाँ पे नहीं प्रिंट हुआ है, इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ. ही ग्रैब्ड हिम, व्हाइट पेन से लिखते हैं तो अच्छे से दिखेगा. ये आंसर है, 7 का आंसर है. क्या किया उसने, जो बेटा था उसका He grabbed him and put his head into his mouth and put his head into his mouth. उसका सिर लेके और अपने अब क्या कर रहा था, अपने मुंह में डाल लिया उसने. उसने क्या किया, उसने ग्रैब किया उसे, अब उसका सिर लिया और मुंह में डाल लिया. ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ 7. इसको यहां से लिख लेना है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज फ्रॉम द बुक इज व्हाई डिड द कैप्टन सेंड द मेन टू लैंड. कैप्टन ने उसको लैंड पर क्यों भेजा, ठीक है. जो कैप्टन था उसने उनको लैंड पर क्यों भेजा. तो द कैप्टन सेंट द मैन टू लैंड टू फैच वाटर, पानी लेने के लिए भेजा था. ओके, व्हाट डिड द मैन, व्हाई डिड द मैन रश बैक टू द शिप. जो लोग थे वहां पे वो फटाफट से शिप में वापस क्यों आने लगे, ठीक है. तो वो लोग वापस क्यों आने लगे, the man rushed back to the ship because a giant chased them. ठीक है, क्या हुआ, एक giant जो है वो उनको क्या कर रहा था, chase कर रहा था, chased, यहाँ पे D होगा, chased them, ठीक है, because a giant chased them. Okay, now the next question is choose the correct answer. तो पहला है द जाइंट कैरिड अ रीपिंग हुक बिकॉज, जाइंट जो है वो रीपिंग हुक कैरी कर रहे थे, काटने वाला जो हुक होता है उसको कैरी कर रहे थे. क्यों कैरी कर रहे थे, ही वॉज फाइटिंग विद द अदर जाइंट्स, क्योंकि वो दूसरे जाइंट्स के साथ लड़ाई कर रहे थे. ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न, वो कॉर्न को रीप करने फसल काटने जा रहे थे. ही वॉन्टेड टू फ्राइटन गलीवर, या फिर गलीवर को डराना चाह रहे थे. तो वो फाइट करने भी नहीं जा रहे थे और ना ही वो गलीवर को डराना चाह रहे थे. वो किस लिए जा रहे थे, बिकॉज ही वॉन्टेड टू रीप द कॉर्न, ही वॉन्टेड टू रीप द कॉर्न, कॉर्न को रीप करने के लिए. ओके, ही वॉज गोइंग टू रीप द कॉर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सक्यूज मी, दे पुट गलीवर ऑन द ग्राउंड टू लुक एट हिम. उन्होंने गलीवर को क्या किया, जमीन पे रख दिया, बिकॉज दे हैड नेवर सीन अ ह्यूमन बिफोर, क्योंकि उन्होंने कभी इंसान नहीं देखा था. दे थॉट ही वॉज अ डॉल,
दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन, क्योंकि उन्होंने कभी इंसान नहीं देखा था, क्योंकि उनको लगा कि ये डॉल है, नहीं क्योंकि वो तो चल रहा था तो डॉल है ऐसा तो लगेगा नहीं, बिकॉज उन्होंने कभी इतना छोटा आदमी नहीं देखा था, बिकॉज दे हैड नेवर सीन सच अ टाइनी मैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गलीवर वॉज, गलीवर क्या था, अ फार्मर, अ सेलर, अ ड्रॉफ या फिर अ जाइंट। फार्मर होता है किसान, सेलर होता है शिप में काम करने वाला, या फिर ड्रॉफ यानी बौना, या फिर जाइंट यानी विशालकाय दानव। तो वो क्या था, ही वॉज अ सेलर। ठीक है, वो ड्रॉफ नहीं था, वो जाइंट भी नहीं था और वो फार्मर भी नहीं था, ही वॉज अ सेलर, गलीवर वॉज अ सेलर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो कि नेम द क्रिएचर टू हुम यू वुड लुक लाइक गलीवर। कौन सा क्रिएचर है जिसके सामने हम गलीवर के जैसे छोटे छोटे दिखने लगेंगे। ठीक है, तो कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जिसके सामने हम इतने छोटे छोटे से दिखने लगेंगे। द क्रिएचर इज नाउ एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट का मतलब होता है समाप्त हो जाना। ठीक है, तो अब वो जो क्रिएचर है वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो किसके सामने हम इतने छोटे छोटे दिखेंगे। यस, वी द वर्ल्ड, द वर्ड बिगिंस विद द लेटर डी एंड इट इज डायनासोर। ठीक है, डायनासोर से स्टार्ट होता है, डी से स्टार्ट होता है और वो क्या है, डायनासोर है। डायनासोर के सामने हम कैसे दिखेंगे, पिद्दी पिद्दी से दिखेंगे, तो डायनासोर तो अब है ही नहीं। और किसके सामने हम इतने पिद्दी पिद्दी से दिखेंगे, यस वेल के सामने, ब्लू वेल है ना, उसके सामने भी हम कैसे दिखेंगे, एकदम पिद्दी से दिखेंगे, इतने छोटे छोटे से। ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। From the text, write the sentence that tells you the following. Text में से वो बताना है जिससे कि हमें ये चीज समझ में आती है। Text में किस लाइन से हमें ये समझ में आता है, यही हमें बताना है। The giant reapers, वो जो फसल काटने वाले giants थे, विशालकाय आदमी थे, वो गलीवर से क्यों fascinated थे, मतलब गलीवर को देख के वो इतने आश्चर्यचकित थे, कि कैसे पता चलता है, बिकॉज ऐसे पता चलता है क्योंकि बुक में लिखा हुआ है कि दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड, दे ऑल सैट ऑन द ग्राउंड टू टेक अ गुड लुक एट हिम। वो सभी बैठ गए और बैठ के गलीवर को ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ऐसे करके देख रहे थे, ठीक है ना, और खड़े होके वो बहुत लंबे हो जा रहे थे इसीलिए उसको बैठ के देख रहे थे, तो इसीलिए हमें पता चलता है कि दे वेयर फैसिनेटेड। ओके, नेक्स्ट है कि गलीवर वॉज अ लर्न्ड मैन। गलीवर जो है वो बहुत ही ज्ञानी आदमी था। लर्न्ड मतलब क्या होता है, ज्ञानी, बहुत कुछ जानने वाला। ठीक है, तो लर्न्ड मैन था, बहुत कुछ सीखा हुआ, समझा हुआ। क्यों, क्योंकि ही ट्राइड टू स्पीक, आई ट्राइड टू स्पीक इन टू देम इन सेवरल लैंग्वेज, क्योंकि उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस में उनसे बात करने की कोशिश करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फार्मर्स सन थॉट गलीवर वॉज अ टॉय। फार्मर के बेटे को लगा कि गलीवर जो है वो क्या है, खिलौना है, है ना, जैसे कोई भी बच्चा है वो खिलौने को उठाता है और पहला काम करेगा कि मुंह में डालता है, तो उसने भी क्या किया, गलीवर को ऐसे उठाया और उसके सिर को क्या कर रहा था, मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। तो ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माय हेड इनटू हिज माउथ। मुझे देखते ही उसने क्या किया, बच्चे ने, उसने मुझे ग्रैब किया, पकड़ा और पकड़ के मुंह में डालने की कोशिश करने लगा। तो इसी से समझ में आता है कि क्या, कि फार्मर का जो बेटा है वो गलीवर को खिलौना समझ रहा था। इसके बाद है, द फार्मर्स वाइफ वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। फार्मर की जो वाइफ थी, शी वॉज अ काइंड हार्टेड वुमेन। वो कैसे समझ में आता है, ऐसे कि लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड, क्योंकि उसने फिर उसे उसकी खुद की बेड पे लिटा दिया और उसको एक क्लीन वाइट हैंडकरचीफ से कवर कर दिया। तो इससे समझ में आता है कि यस शी वॉज वेरी काइंड हार्टेड, है ना, और खाना भी दिया था, उससे भी समझ में आता है कि वो काइंड हार्टेड थी। अब देखो,
Read the following sentences. The giant farmer's voice was as loud as blowing trumpet. तो giant की आवाज कैसी थी? ऐसी थी जैसे कि कोई trumpet बजा रहा हो, है ना, कोई trumpet को blow कर रहा हो. Trumpet क्या होता है? एक ऐसे करके शहनाई जैसी एक आवाज होती है जो कोई भी, हाँ ये देखा होगा, जब कोई लड़ाई शुरू होती है तो उसके पहले बिगुल, बिगुल ट्रम्पेट का मतलब होता है बिगुल, है ना. तो बिगुल जो होता है, बिगुल बजाया जाता है कोई भी चीज शुरू करने से पहले, तो उसको जब उतनी आवाज उसकी जो थी वैसी थी, ठीक है, एज लाउड एज अ बिलोइंग ट्रम्पेट. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि इसे यूज करके हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं. ये वर्ड्स हैं, रेड है, स्लो है, ब्लैक है, जेंटल है, वार्म है, स्ट्रांग है, स्वीट है, लाइट है और वाइट है. तो इन वर्ड्स को यूज करके हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ठीक है, तो सबसे पहला है कि एज डैश एज फेदर, पंख के जैसा. पंख कैसा होता है? बहुत हल्का होता है. तो क्या है? एज लाइट एज फेदर, हल्का, एज लाइट एज फेदर. ठीक है, पंख के जैसा हल्का. ठीक है, उसके बाद क्या है? टॉर्टराइज. तो टॉर्टराइज का क्या होगा? टॉर्टराइज कैसा होता है? बहुत धीमा. तो क्या होगा? एज स्लो, एज स्लो एज टॉर्टराइज. ओके, उसके बाद हनी. तो हनी क्या होती है? हनी होती है स्वीट. तो ये क्या हो जाएगा? एज स्वीट एज, शहद के जैसी मीठी. तो यहाँ पे हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, किसके जैसी क्या. जैसे उसकी आवाज शहद के जैसी मीठी है, है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिमिली. उसके बाद है एज डैश एज स्नो. तो स्नो कैसा होता है? एकदम वाइट होता है. स्नो जानते हो ना, जो बर्फ के, बर्फ गिरती है और बर्फ की चादर ऐसे पूरी बिछ जाती है. कहाँ पे है? हिमालयाज में, है ना. तो उसको बोलते हैं स्नो. क्या होगा? एज वाइट एज स्नो. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, तो ये हो गया. नेक्स्ट है एज डैश एज एन ऑक्स. तो ऑक्स कैसा होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है, है ना. तो इसमें क्या होगा? ऑक्स के जैसा स्ट्रॉन्ग. क्या बोलेंगे? और किसके जैसा स्ट्रांग? बैल के जैसा स्ट्रांग, एज स्ट्रांग एज ऑक्स. उसके बाद एज डैश एज नाइट. नाइट कैसी होती है भाई? ब्लैक होती है. तो ये क्या होगा? एज ब्लैक एज नाइट. ठीक है, एज ब्लैक एज नाइट. उसके बाद है एज डैश एज रोज. रोज कैसी होती है? तो बहुत ही रेड होती है. ठीक है, कैसी होती है? रेड. तो रोज क्या हो गया? एज रेड एज रोज. ओके, उसके बाद है टोस्ट. तो टोस्ट कैसा होता है? जेंटल होता है, है ना. तो उसको लिखेंगे क्या? एज जेंटल एज टोस्ट, क्योंकि जरा सा उसको ये करो बस वो टूटने लगता है. हाँ, फिर उसके बाद है एज डैश एज ब्रीज. ठीक है, तो ब्रीज, ब्रीज मतलब क्या होता है? हवा होती है. सॉरी, हवा में जेंटल होगा क्योंकि जेंटल जो होती है वो ब्रीज होती है. तो एज जेंटल एज ब्रीज और एज वार्म एज टोस्ट. ठीक है, तो ये हो गया. यहाँ पे ये सोल्यूशन भी है, इफ यू वॉन्ट टू सी यू कैन सी हियर, द सोल्यूशन इज ऑल्सो देयर. ओके, नाउ सी, अब यहाँ पे क्या है, अब उसको हमें यूज करना है सेंटेंसेस में. ओके, तो इसको पहले हम यहां से बंद करते हैं. ये क्या है? द ओल्ड मैन्स हेयर वॉज एज वाइट एज, द ओल्ड मैन्स हेयर वॉज एज वाइट एज स्नो. ठीक है, स्नो.
हिज फीट वेयर एज कोल्ड एज, क्या होगा, ठंडी क्या होती है, आइस. हिज फीट वॉज एज कोल्ड एज आइस. ठीक है. द न्यूज पेपर बॉय वॉज एज स्लो एज टॉर्टोइस. एज स्लो एज टॉर्टोइस कैसा था, स्लो कैसा था, टॉर्टोइस की जैसे. ठीक है. ही वॉज एज स्लो एज टॉर्टोइस. ओके. उसके बाद है आई फेल्ट एज लाइट एज फेदर. कैसा महसूस कर रहा था एक्सरसाइज करने के बाद, पंख के जैसे महसूस कर रहा था, एकदम हल्का, एज लाइट एज फेदर. ओके. तो ये हमारे सोल्यूशन भी है यहाँ पे, दैट द ओल्ड मैंस हेयर इज एज वाइट एज स्नो, हिज फीट वेयर एज कोल्ड एज आइस. ठीक है. स्नो आइस. द बॉय न्यूज पेपर बॉय वॉज एज स्लो, यहाँ पे मैंने लिखा यस स्लो एज अ टॉर्टोइस. आई फेल्ट एज लाइट एज अ फेदर. तो हम इस तरीके से चीजों को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं. ठीक है. तो अब हमें यहाँ पे खुद से कुछ वर्ड्स यूज करने हैं. हाँ, खुद से यूज करके यहाँ पे लिखना है. तो हम क्या लिख सकते हैं, एज टॉल एज, एज टॉल एज क्या लिख सकते हैं, कुतुब मीनार लिख सकते हैं. यस सॉरी, कुतुब मीनार का जो है हम इसको कैपिटल से स्टार्ट करेंगे. कोई भी प्लेस का नेम और जो यूनिक होता है उसको हम किससे लिखते हैं, कैपिटल से लिखते हैं. तो एज टॉल एज कुतुब मीनार. ओके. उसके बाद है एज फास्ट एज, एज फास्ट एज चीता. यस, चीता जो है वो फास्टेस्ट होता है ना, तो एज फास्ट एज चीता. उसके बाद एज हाई एज, बहुत हाई क्या है, एज हाई एज एज हिमालयाज. हिमालयाज लिख सकते हैं, हिमालय जो है वो बहुत हाई है. एज हाई एज स्काई भी लिख सकते हैं, स्काई भी होता है बहुत हाई, एज हाई एज स्काई. एज एंग्री एज, एंग्री कौन होता है, हाँ हाँ, एज एंग्री एज लॉयन. यस, एज एंग्री एज लॉयन. उसके बाद है एज टाइनी एज, बहुत ही टाइनी क्या होती है, एज टाइनी एज बी या फिर एंट. एज ब्रेव एज, ब्रेव क्या होता है, ऑब्वियसली सॉरी लॉयन. एज ब्रेव एज लॉयन. ठीक है, एज ब्रेव एज लॉयन. ओके. नाउ सी, व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स पीपल वी एड ई आर और मोर टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो हम जो उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो उसमें हम ई आर या फिर मोर लगाते हैं. जैसे कि आई एम नीना इज, दिस वर्क इज मोर डिफिकल्ट दैन दैट. ठीक है, तो मोर लगाते हैं. या फिर हम लिख सकते हैं कि दिस बॉक्स इज हैवियर. तो हम या तो हैवी में क्या लगा रहे हैं, ई आर बना के उसको हैवियर, दिस बॉक्स इज हैवियर दैन द दैट बॉक्स. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हम दो बॉक्स को कंपेयर कर रहे हैं तो हम हैवी में ई आर लगा के उसको हैवियर बना दे रहे हैं. तो व्हेन वी कंपेयर थ्री और मोर थिंग्स, अगर हम तीन चीजों को कंपेयर करते हैं तो हम मोस्ट या फिर ई एस टी लगाते हैं टू द डिस्क्राइबिंग वर्ड. तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखेंगे जहाँ पे इन कैसे दो चीज़ों को कंपेयर किया है और तीन चीज़ों को कंपेयर किया है. ठीक है, जैसे कि द सेल बोट इज फास्ट. ठीक है, सेल बोट क्या है, फास्ट है. अब द कार इज फास्टर देन द सेल बोट. तो कार जो है क्या है, सेल बोट से भी फास्ट है. तो पहले मैं क्या बोला है कि सेल बोट बहुत फास्ट है, इज फास्ट. दूसरे में बोल रहे कि द कार इज फास्टर देन द सेल बोट. अब तीसरे में बोल रहे द एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल. और इन दोनों से ही फास्टेस्ट कौन है,
एरोप्लेन, तो हमने क्या लगाया, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, ओके। उसके बाद हिटिंग अ टारगेट इज डिफिकल्ट, टारगेट को हिट करना डिफिकल्ट है। उसके बाद जगलिंग कैप्स, कैप्स को जगल करना जो है वो मोर डिफिकल्ट है टारगेट को हिट करना, ठीक है, हिट करने से ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्या ऐसे जो कैप्स को जगल करते हैं ना, एक कैप निकालते हैं दूसरी पहनते हैं, जगलिंग वाली जो होती है। फिर डूइंग कॉम्प्लिकेटेड मैजिक ट्रिक्स इज द मोस्ट डिफिकल्ट, तो सबसे डिफिकल्ट क्या है, मैजिक ट्रिक्स करना। तो हमने दो तरीके से यूज़ किया है एडजेक्टिव को, पहले में फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, और दूसरे में डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। क्या कहते हैं इसको, हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे, जैसे कि नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग। तो एप्पल इज जूसी, क्या किया हमने, एप्पल इज जूसी, ऑरेंज इज जूसियर, और शुगर केन इज द जूसीएस्ट। ऑफ ऑल, और ये क्या है, देन एप्पल, देन एप्पल। तो हमने यहां क्या लिखा, हमने लिखा कि एप्पल जो है वो जूसी है, ऑरेंज इज जूसियर देन एप्पल, एंड शुगर केन इज द जूसीएस्ट ऑफ ऑल, ओके। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि करेक्ट द यूज ऑफ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को यहाँ पे यूज करना है, दिस इज सिंपलर प्रॉब्लम ऑफ देम ऑल। तो ये क्या होगा, दिस इज सिंपलर नहीं होता है, दिस इज दिस इज द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, ये रॉन्ग है, यू कैन सी इन द सोल्यूशन पार्ट, ये देखो द सिंपलेस्ट, दिस इज द सिंपलेस्ट, ओके। अब है कि विच इज द लाइटेस्ट ऑफ द टू पार्सल, ठीक है, तो विच इज लाइटेस्ट नहीं, लाइटर होगा, क्या होगा, विच इज लाइटर, लाइटर ऑफ द टू पार्सल्स, ओके। ही इज क्लेवरर देन एम, तो यहां पे क्या होगा, ही इज क्लेवरर देन आई एम नहीं होगा, क्या होगा, ही इज क्लेवरर देन me, this is wrong, okay. I like this the best of the two, तो best नहीं होगा, I like this better। जब हम दो चीजों को compare करते हैं तो the best नहीं बोलते हैं, better बोलते हैं, ठीक है। The flood became badder as the rain, तो badder नहीं होता है, इसका क्या लिखते हैं हम, worse, so ठीक है। So these were the degrees of comparison, with this we complete our lesson, I hope you understood all the exercises, ठीक है, question answers और जो भी exercises हैं book में जैसे भी हैं इसको complete कर लेना है, और जो question answers हैं उसको भी notebooks में लिख लो अपने, चाहे तुम अपने अपने आप से भी लिख सकते हो, या फिर you can also write these answers, ठीक है। तो this is all for today, we'll continue with our next lesson in the next class, तब तक के लिए bye bye, take care and be good.